हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू अनदर शेयरफुल एपिसोड ऑफ डिजिटल एग्जाम मित्र। आज हम बात करने वाले हैं सैफरन के बारे में। सबसे ज़्यादा सैफरन इंडिया कौन से कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। केसर को दुनिया में हर जगह एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द डेटा जो हमें एक्सपोर्ट एनालिसिस से मिला है, देर आर अबाउट 65 कंट्रीज़ जहां सैफरन इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, जिसकी कंबाइंड एक्सपोर्ट वैल्यू अगर हम निकालें तो दैट इज़ अराउंड 1.3 मिलियन US डॉलर्स। और ये तो सिर्फ 2020 में हुआ गया एक्सपोर्ट की रकम है। चलिए देखते हैं वो कौन से टॉप 5 नेशंस हैं जो इंडिया से मैक्सिमम क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं सैफरन को। फर्स्ट है यूएसए विद 738 करोड़ का एक्सपोर्ट करवाया है अपने देश में सैफरन को। देन ऑस्ट्रेलिया विद 583 करोड़, देन यूएई विद 544 करोड़, देन नेपाल विद 512 करोड़ एंड लास्टली कैनेडा विद 290 करोड़। तो ये हो गए हमारे टॉप 5 कंट्रीज़ जिन्होंने इंडिया से उनके देश में इंपोर्ट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे देश है, इतना प्रॉफिट मार्जिन है, तो बहुत सारे अराउंड द इंडिया, अक्रॉस द इंडिया एक्सपोर्टर्स होंगे। बट लेट मी टेल यू, जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ ये सैफरन जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, वहाँ देर आर ओनली 15 रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स। मतलब लीगली सिर्फ 15 ही एक्सपोर्टर्स है जम्मू एंड कश्मीर से। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा अगर आप चुनते हैं केसर को एज अ स्पाइस टू एक्सपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूएसए ने हमें एक्सपोर्ट सैफरन इंडिया से करे उसके लिए एक और मौका दिया। कैसे? उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसे कहते हैं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इससे क्या होता है कि दे आर प्रमोटिंग टू एक्सपोर्ट सैफरन फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने पिछले साल करीब 22 टन्स ऑफ केसर प्रोड्यूस किया एंड एक्सपोर्ट किया। तो ये तो थी हमारी कुछ डिटेल्स अबाउट एक्सपोर्ट ऑफ सैफरन, जो कि बहुत ही ऊपर ऊपर से थी एंड जेनरिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको और जानना है केसर या फिर किसी भी और स्पाइस या प्रोडक्ट के बारे में, आप कॉल करें हमारे एक्सपर्ट्स को जो डिजिटल एग्जाम में आपके कॉल की बेसब्री से वेट कर रहे हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है एंड हमने डिटेल में भी मेंशन किया हुआ है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।